तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई लोगों ये है एकदम नया ग्रीन ट्रांसफॉर्मर जो कि अभी अभी वॉचटाउन में आया है और हमें इसको मारना है। रो पीरो क्या तुम घर पे हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जल्दी बाहर आओ घर से। अरे रोबोई तुम वो भी इतनी सुबह सुबह, बोलो कैसे आना हुआ? रो पीरो मेडमैक्स ने तुम्हारे शहर में नए ग्रीन ट्रांसफॉर्मर छोड़े हैं और वो एक दिन सारे के सारे मिलकर तुम्हारे वॉचटावर पर कब्जा कर लेंगे। तुम उनको रोको और मैं मेडमैक्स को रोकता हूँ। ओ तो ऐसी बात है रोबोई, यार तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें पहले ही सब कुछ बताने के लिए। दोस्तों अभी हम जाने वाले पुलिस वालों के पास में। और रुको भैया, अरे पुलिस वाले सर जी मेरी बात सुनो, तुम्हें ग्रीन ट्रांसफर को अरेस्ट करना है। तुम समझ रहे हो ना, उनकी संख्या बढ़ रही है, हमारे वॉचटाउन के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। वो तो सही बात है रोपीरो, लेकिन हमें उससे भी जरूरी केस को सुलझाना है, हम उसे बाद में अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन बाद में कब? वो हमें मारने आएंगे तब करोगे क्या? यार तुम बस मेरे ऊपर एक एहसान कर देना, मुझे गिरफ्तार मत करना क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ ग्रीन ट्रांसफॉर्मर को मारने के लिए। अब मुझे पता लग चुका है कि तुम सारे पुलिस वाले ग्रीन ट्रांसफॉर्मर से डरते हो, लेकिन रोपीरो किसी से नहीं डरता है क्योंकि रोपीरो के साथ में है येलो ट्रांसफर भाई, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों हम लोग ऐसे ही थोड़ी जाएंगे उसको ढूंढने के लिए, इसलिए हम लोग आ चुके हैं पुलिस स्टेशन और यहाँ से ये गाड़ी उठाते हैं और इसका हॉर्न भी बजा लेते हैं ताकि पुलिस वाले हमें रोके नहीं ना। चलो भाई लोगों चलते हैं। वैसे ग्रीन ट्रांसफॉर्मर को ढूंढना काफी मुश्किल भी है, लेकिन अभी नहीं क्योंकि उनकी संख्या बढ़ चुकी है भाई, वो हर गली के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक ग्रीन ट्रांसफॉर्मर तो मेरे को मिल चुका है जो कि काफी नया है भाई, ऐसा लग रहा है कि इसको अभी अभी बनाया गया है। और ऐसे एक जैसे दिखने वाले ग्रीन ट्रांसफॉर्मर हमारे वॉचटाउन में बहुत ज्यादा फैल चुके हैं, अभी इनको रोकना तो पड़ेगा ना। और इनको रोकने वाला केवल एक ही है और उसका नाम है येलो ट्रांसफर, और इन सभी को उसके एरिया के अंदर लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों इसकी एक और खासियत बात है, हम लोग इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, यानी इसको चला भी सकते हैं। ये देखो भाई बटन दिख रहा है ना, इसको दबाते ही हम चला सकते हैं, लेकिन आप दबा मत देना क्योंकि चलेगा नहीं, ये रोबोट बन जाएगा। अभी देखो यार जैसे ही मैं दबाया ना तो रोबोट बनकर हमारे रोपीरो को मारने लग गया था, इसलिए भाई आप ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, डेंजर है, आपकी जान भी ले सकता है। इसलिए यार इसके ऊपर तो बैठ सकते हो आप, ये कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन आप लोग इसके अंदर बैठने वाला बटन नहीं दबा सकते, यानी आप लोग इसको ड्राइव नहीं कर सकते कभी भी। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं येलो ट्रांसफॉर्मर के इलाके में, बस हमें उसको बुलाना है और वो आते ही इसकी बैंड बजा देगा। भाई कहाँ पे हो येलो ट्रांसफॉर्मर, जल्दी से आओ और इसकी पिटाई करके जाओ। दोस्तों येलो ट्रांसफर है इस वॉचटाउन की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे, बस इसको इंतजार था तो रोपीरो का बुलाने का, और रोपीरो ने बुलाते ही भाई ये तो बिल्डिंग से कूद चुका है, यानी जंप कर गया और ये गाड़ी के अंदर भी बदल गया। ओ भाई इतनी ऊपर से गाड़ी के अंदर बदल गया, सर जी ये तो काफी डेंजर लग रहा है। और वैसे यार अभी इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है, और आप लोग इन दोनों की फाइट देखने से पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास में आएगा ना, इसलिए भाई सब्सक्राइब तो कर दीजिए। और ग्रीन ट्रांसफर यार मिल चुका है और ये इसके पीछे पीछे चल रहा है, इसको पता भी नहीं कि भाई इसके पीछे पीछे येलो ट्रांसफर चल रहा है। वो रोक लिया इसको, लगता है कि अभी इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है, और जीतेगा कौन भाई, आपको कौन लगता है, यानी कौन लगता है नहीं भाई, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? चलो देखते हैं भाई, अभी तो फाइट, वो भाग रहा है क्या? अरे भाई तू भी रोबोट बनना क्योंकि हमारा येलो ट्रांसफर भी रोबोट बन चुका है, तू भी बनना भाई, ये ऐसे थोड़ी बनेगा, जब तक इसके लात नहीं पड़ेगी ना तब तक ये बनेगा नहीं रोबोट। चल भाई, ओ अब बन चुका है और इसको भी गुस्सा आ चुका है, पहले हाइट तो नाप लेना कि किसकी हाइट ज़्यादा बड़ी है। अभी दोस्तों हाइट नापते हैं और मुझे तो भाई येलो ट्रांसफर की कुछ थोड़ी वो ज़्यादा हाइट लग रही है, वैसे ये अभी बच्चा है इसलिए इसकी हाइट भी अभी तक पूरी नहीं बढ़ी है। भाई इसका जन्म अभी अभी हुआ है ना, यानी भाई ये अभी अभी बनाया गया है ये ग्रीन ट्रांसफॉर्मर। ओ हमारे येलो ट्रांसफर ने तो इसको एक के अंदर ही मार दिया, अरे भाई कितना डेंजर है तू, तूने तो एक के अंदर ही मार दिया। भाई साहब मैंने सोचा नहीं था कि भाई ये इतना डेंजर निकलेगा। तो दोस्तों यार अभी इसकी फाइट होने वाली और भी ग्रीन ट्रांसफॉर्मर से, यानी अभी इसको नहीं लाएंगे भाई क्योंकि रोपीरो को एक और ग्रीन ट्रांसफॉर्मर मिला जो कि उम्र के अंदर काफ़ी बड़ा है भाई, उसको बने हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और ये वाला तो भाई मेरे को डेंजर भी लग रहा है, लेकिन मेरे को दिख चुकी है बॉल जो कि मैं इसके मुंह के ऊपर मारने वाला हूँ। रुक जा बेटा रुक जा, तेरे मुँह के ऊपर लात मारूंगा, लात नहीं बॉल से, ओ कुछ भी नहीं हुआ। चलो यार इसको दौड़ाते हैं क्योंकि इसने हमारे रोपीरो की हेल्थ काफ़ी कम कर दी है।
भाई तू थकता नहीं है क्या? कितनी गोलियां मारे ही जा रहा है। रुक जा, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। रुक जा। और रो फिरो इसके मार तो रहा है, लेकिन भाई रो फिरो की हेल्थ तो काफ़ी कम हो चुकी है, बिल्कुल 6 हेल्थ ही बची है। अभी भागना पड़ेगा दोस्तों। और भागते भागते हम लोग आ चुके हैं एक बिल्डिंग के ऊपर नहीं भाई एक घर के ऊपर। और ये देखो भाई कैसे तड़प रहा है मेरे को मारने के लिए। मारेगा मेरे को, ले मारना, टिप्सन भाई बचाएंगे मेरे को। टिप्सन भाई बचाओ ना भाई, गोली चलाओ इसके ऊपर। ओ शिट भाई, इसने तो टिप्सन भाई को भी मार दिया। क्या गुंडा है भाई तू, ये तो काफ़ी बड़ा वाला ग्रीन ट्रांसफॉर्मर लग रहा है। लेकिन इसकी बैंड बजाने के लिए भी हमारे पास में कोई ना कोई है, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर बॉल। वो एक रोबोट तो है, लेकिन यार वो बॉल भी बन सकता है। बॉल बनने के बाद में ये ग्रीन ट्रांसफॉर्मर उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। बेटा तेरी मौत तो उसी के हाथों होगी। चलो यार पुलिस वालों से ही अरेस्ट करवा देते हैं। पुलिस वाले भैया इसको अरेस्ट करो यार, ये सबको मार रहा है। देखो मुझे भी मार रहा है और तुम्हें भी मार रहा है। लेकिन पुलिस वाले तो फट्टू के फट्टू ही रहेंगे। देखो भाई ये कुछ भी नहीं कर रहा है पुलिस वाला, वरना अरेस्ट तो कर सकता है ना। अगर मैं मारूंगा तो मर जाएगा। ओह भाई ये देखो पुलिस वाला भी मर गया और मेरे पैरों के अंदर आके गिर गया। अभी तू कुछ नहीं करेगा भाई, तुम्हारा साथी मर चुका है। तो दोस्तों अभी एंट्री हो चुकी है ट्रांसफॉर्मर बॉल की। और आप लोगों को पता है कि भाई ये किसके ऊपर खड़ा है? ये खड़ा है ग्रीन ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। अभी इसकी बैंड भी बजाने वाला है और ये बन चुका है बॉल। ओ गुस्सा आ गया हमारे ग्रीन ट्रांसफॉर्मर को, गुस्सा आ गया। लेकिन तू कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे इस रोबोट की यही तो खासियत है ना कि यार बॉल बनने के बाद में इसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम कितनी भी गोलियां चला लो, चाहे से कुछ भी कर लो, लेकिन दोस्तों हम इसको मारेंगे। लेकिन ऐसे ही थोड़ी मारेंगे, इसको हम पानी के अंदर डुबा डुबा के मारेंगे। हम लेके जाने वाले इसको समुद्र के अंदर। आजा भाई मेरे पीछे पीछे आजा, अभी तेरे को बहुत देर हो गई भाई, इतना भी मत मारे मेरे को कि मेरे को गुस्सा आ जाए भाई। अभी पता है हम लोग इसको लेके जाने वाले समुद्र के अंदर, और ये पुलिस वाला भी मेरे पीछे पड़ गया। अरे मेरे पीछे थोड़ी पड़ना है भाई, इसको गिरफ्तार करो, इसको अरेस्ट करो। ये फिर से नीचे गिर गया भाई, जमीन हिलने के अंदर तो नीचे गिर जाता है और मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। आजा आजा जल्दी से आजा, दोबारा खड़ा हो। मेरे को पता है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये ऐसे ही नहीं मरने वाला। इसको उठाकर समुद्र के अंदर फेंकने वाला हूँ अभी, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा मेरा। आजा आजा आजा, समुद्र के अंदर लेके जा रहा हूँ ना दोस्तों, फटाफट इसको लेके चलते। काफ़ी देर हो गई भाई, इतना मार रहा हूँ लेकिन मर ही नहीं रहा है। इसको पानी के अंदर डुबा के ही मारेंगे। बस अभी थोड़ी सी दूर और है समुंदर, थोड़ी देर की बात और है भाई, इसको लेके जाना पड़ेगा। ये चल ही नहीं रहा है, इसको पता है कि हम लोग इसको मारने वाले समुद्र के अंदर डुबा के। ये देखो कितना घबरा रहा है, लेकिन हमसे ज़्यादा ताकतवर थोड़ी बनोगे सर जी तुम। और दोस्तों इतनी देर लड़ाई चलने के बाद भी हमारा ट्रांसफॉर्मर बॉल इसको आखिरकार समुद्र के पास में लेके आ गया। बस इसको डुबाने वाला हूँ। अरे अब तो हार मान जा, तू नहीं जीत सकता हमारी बॉल ट्रांसफॉर्मर से। और ये गया समुद्र के नीचे गया। ओ सर जी चला गया नीचे, चलो जाके देखते हम लोग भी क्या मर गया क्या वो। और ये तो नहीं दिख रहा है सर जी, वो तो मर गया और हम लोग जीत गए। यार सच में हमने बड़े ट्रांसफॉर्मर को हरा दिया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।